हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जो है जस्ट योर 007। और मैं हूँ सुरभि। तो गाइस, अभी मुझे सडनली कॉल आया पापा का कि भाई को सांप ने काट लिया है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ और मुझे इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है हॉस्पिटल के लिए। तो अभी पापा उसको लेके गए हैं हॉस्पिटल, BSF हॉस्पिटल में गई हूँ। तो देखते हैं उसकी अभी क्या कंडीशन है। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और रात के बज रहे हैं 2। सो गाइस, अभी हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है। तो अभी अंदर तो जाने नहीं दिया जा रहा, परमिशन ही नहीं है क्योंकि उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब देखते हैं क्या कंडीशन है। एक दो बार मैंने ट्राई भी किया तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं मैम अभी आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है उसकी। अभी टाइम हो रहा है रात के 2:10, तो अभी तो कोई चांस ही नहीं है मिलने का, तो हमें जाना पड़ेगा घर। तो गाइस, अभी हमें वहाँ बैठने की भी परमिशन नहीं दी जा रही है क्योंकि पेशेंट और भी हैं, वो डिस्टर्ब होंगे। तो इसीलिए मैं अभी अपनी गाड़ी में ही आके बैठ चुकी हूँ। तो अभी मैं पापा से बात करती हूँ कि उसकी कंडीशन क्या है और उनसे पूछती हूँ अगर परमिशन मिली देखने की तो मैं आपको दिखाती हूँ उसकी कंडीशन क्या है, और नहीं मिली तो फिर हम मिलते हैं सुबह। तो गाइस, आज उसको 2 दिन एडमिट हुए हो चुके हैं। हम लोग से जब मिलने आए थे लास्ट टाइम तो हमें मिलने नहीं दिया गया था। तो 2 दिन बाद हम उससे मिलने आए तो हमें यहाँ पहुँचते पता चला कि आज तो उसका रिलीफ होने वाला है। जब तक हम लोग उसको देख पाते तब तक उसके पेपर वर्क कम्प्लीट हो चुका था। तो हम लोगों ने भारी वेट बैठ के उसका वेट किया कि कब वो बाहर आएगा। वहाँ से हम सीधे उसको घर लेके जाएंगे और आगे जो भी उसकी कंडीशन है उसकी जो भी अपडेट रहेगी वो आगे आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। क्या उसको डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन दिया है, कौन सी मेडिसिन दी है, ये अगर मुझे इस डिटेल में पता चलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सुरभि की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी टेंशन के कारण, तो वो ये वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो उसने मुझसे कहा था कि मैं आगे इस वीडियो कंटिन्यू करूं। तो हम पन्नू को लेकर घर जा रहे हैं। अब रास्ते में उसको ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी और थोड़ा वो डरा डरा सा था, तो हमने सोचा उसके साथ कुछ मस्ती मजाक किया जाए। तो उसको लेकर हम चल दिए हैं टेकनपुर। पहुँच के हमने उसके लिए कुछ फल फ्रूट खरीदे, वैसे मन तो था नहीं उसको देने का कुछ, फिर भी हमने उसके लिए ले लिया। घर पहुँचे हम लोग और हमने सबसे पहले उसका जो भी साथ में किट्स मिली थी दवाई वगैरह वो लेके अंदर गए। और जाते जाते उससे कहा चलो थोड़ा आपको भी फ्रेम में लेते हैं। जब तक पीछे से आंटी चुपके से हमें देख रही हैं, आप देख सकते हो, मिलने का तो उनका बहुत मन था लेकिन वो आई नहीं मिलने। पन्नू कितना मासूम बन के बैठा है, इतना मासूम है नहीं वो, लेकिन अब जब सांप ने काटा है तो पता चलेगा उसे। वैसे तो बड़ा शिकारी बनता है। और ये मेरी मम्मी उसको डांट के समझाते हुए कि ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करनी है, करना नहीं चाहिए, सुनना तो उसको कुछ है नहीं, फिर भी बड़ों का फर्ज है समझाते हुए। फिर हम सब ने खाना खाया और फाइनली हम जब हमें पता चल गया कि वो उसकी कंडीशन सही है तो हम अपने घर के लिए निकल गए। क्योंकि दूसरे एक बंदे के साथ भी थोड़ा सा ट्रेजेडी हुई थी, उसके घर भी उसे देखने जाना था। तो फाइनली हमने सबको बाय किया। जब हमें पता चल गया कि इसकी कंडीशन अच्छी है तो थोड़ा घर का माहौल भी ठीक हुआ। हंसी मजाक के साथ सबने एक दूसरे को बाय बोला और फाइनली हम अपने घर की तरफ निकल गए। तो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, सपोर्ट, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।